मेरा नाम कनिष्क तिवारी है, मैं सीधी जिले मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं न्यूज नेशन में सीधी जिले का स्ट्रिंगर हूँ और साथ ही फ्रीलांसिंग के रूप में एमपी संदेश न्यूज 24 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, और जो कि एक बघेली न्यूज चैनल है जो स्थानीय बोली पर वो न्यूज चैनल बनाया गया है, जिस पर मैं सभी खबरों को प्रकाशित करता हूँ। आपको बता दूं कि बीते 2 अप्रैल को एक बेहद निंदनीय घटनाक्रम हुआ, जिसमें एक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की खबर कवरेज करने में गया हुआ था और वहां पर मेरा कैमरामैन पूरी वीडियो फुटेज रिकॉर्ड भी किया। आपको बता दूं कि वहां पर मुझे जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त्र किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहना कर जुलूस निकालूंगा। आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ हमारा कैमरामैन आदित्य सिंह भदौरिया भी था। आपको बता दूं कि जो हम 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें जुर्म ये था कि पुलिस के द्वारा 151 की धारा और कुछ एक शांति भंग और साथ में सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध की धारा लगाई गई है। आप लोग को बताऊं कि हमारे साथ बड़ा वैमनस्यतापूर्ण बर्ताव किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। जब यह सब किया जा रहा था तो हम लोगों के द्वारा कोई जब विरोध की बात आई, और जबकि ये जानकारी थी सीधी पुलिस को और कोतवाली पुलिस को कि मैं न्यूज नेशन में पत्रकार हूं और मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं। पुलिस के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि क्या तुम क्यों विधायक के खिलाफ खबर चलाते हो, क्या विधायक किसी के घर में बर्तन मांजने जाएगा। आप लोग को बताऊं कि जब ये फोटो एक सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे कि वायरल हो रही है, ये फोटो मेरे और मेरे कैमरामैन और सभी जो लोगों को बंद किया गया था, हम लोग को 2 तारीख को रात के 8 बजे गिरफ्तार किया गया था और 3 तारीख को शाम को 6 बजे छोड़ा गया था। लगभग 18 घंटा हम लोग हवालात में थे। हवालात में जब थे तो हमारी फोटो अभिषेक सिंह परिहार अमिलिया थाना प्रभारी के द्वारा फोटो खींची गई थी और फिर हम लोगों को चड्डी पहनाकर जो है थाना प्रभारी के कक्ष में ले जाया गया था। वहां भी अभिषेक सिंह परिहार के द्वारा फोटो खींची गई थी, जो अमलिया थाना प्रभारी है। ये लगभग रात 2:30 बजे की बात है और साथ में हम लोगों के साथ खूब गाली गलौज हुई और बार बार ये कहा जा रहा था कि खबर चलाओगे तो पूरे शहर में जुलूस निकालेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि मैं डरा हूं, मेरा परिवार पूरी तरह से डरा हुआ है। सोशल मीडिया में फोटो पुलिस के द्वारा वायरल की गई है, जिससे मेरी मानहानि हुई है, मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, एक पत्रकार के हितों का कुठाराघात हुआ है। मैं सबसे अपील करता हूं कि आप सब लोग इस जो है घटनाक्रम में साथ आएं, नहीं तो पत्रकार से अब कोई मदद नहीं मांगेगा और न ही कोई पत्रकार किसी गरीब की आवाज उठाएगा, न किसी ऐसे षड्यंत्रकारी की आवाज उठाएगा, न ऐसे किसी कहा जाए दमनकारियों की आवाज उठाएगा, क्योंकि हर आवाज यदि दबा दी जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि भारत में भी तालिबानी हुकूमत जैसा महसूस होने लगा है। आपको बता दूं कि ये पूरा घटनाक्रम आज मेरे से दिन भर पूरे देश भर के पत्रकारों ने पूछा, समझा और मैंने उनको सारी जानकारियां उपलब्ध कराई हैं। मुझे लगातार जान से मारने की धमकी के साथ साथ पुलिस के द्वारा ये लोगों से कहा जा रहा है कि और भी केस तुम्हारे ऊपर लगा के तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, और सीधे सीधे मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से डरा है, मेरी मदद की जाए, अन्यथा मैं कहां जाऊं ये भी बताया जाए। आप सभी को प्रणाम करता हूं और सभी से आपसे धन्यवाद, और कृपया करके हमारी बात सुने, समझे और हमारे हालात को समझे और हमारी मदद करें। धन्यवाद।